कोरोना वायरस, यूं तो कुदरत से बढ़कर कोई नहीं, वह मारता भी है और बचाता भी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और आपका अपार सम्मान करता हूं अपने ज्ञानी जी योग प्राणायाम चैनल में। भगवान जब दैवीय प्रकोप करते हैं तो मनुष्य को उससे बचने का उपाय भी सुझाते हैं। बचाव के उपायों में प्रयासरत रहकर हम पास होते रहते हैं। हाल फिलहाल में एक प्रकोप आया हुआ है कोरोना वायरस, जिसके आतंक से दुनिया भर का बच्चा बच्चा भयभीत है। अपने एक एक श्वास की जिम्मेदारी भगवान को सौंपते हुए एक उपाय कोरोना वायरस से बचने हेतु हम भी नित्य सुलह करने का वचन लेते हैं, क्योंकि जीवन अनमोल है और वो उपाय है जल नीति और प्राणायाम। जल नीति के अलावा सूत्र नीति, घी नीति, तेल नीति आदि भी हैं। नीति और प्राणायाम करने से कोरोना ही नहीं अन्य कोई भी वायरस छू भी नहीं सकता। इसके अलावा अपने खान पान, एक दूसरे के संपर्क में, पिरसोंस आदि की चपेट में आने में सावधानी बरतें, मांस आदि का भोजन ग्रहण ना करें। कोई भी नीति करने से, जल नीति, घृत नीति, तेल नीति आदि के अन्य लाभ की बात करें तो कंठ से ऊपर समस्त सर पर्यंत रोगों में शीघ्र लाभ मिलता है। नजला जुकाम ठीक होते हैं। कुछ भाइयों को जल नीति करने से ही नजला जुकाम हो जाता है। रुक रुक कर अभ्यास करते रहने से अभ्यास हो जाता है और लाभ मिलना शुरू हो जाता है। पहले गुनगुने पानी से प्रारंभ करें, मौसम के अनुसार ठंडे या गुनगुने पानी से करें, साथ ही प्राणायाम भी करें। चार छह प्राणायाम तो करें ही, जैसे आपका भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उज्जायी हो गया, भ्रामरी या उद्गीत में से एक हो गया, ज्यादा करें आपकी मर्जी। जीवन मरण की लेश मात्र भी चिंता न करते हुए आइए चलते हैं जल नीति की तरफ। इस तरह से बैठ जाइए और थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए और उसमें लगभग एक चम्मच नमक डाल लीजिए। ज्यादा गर्म हो तो ठंडा कर लीजिए। हथेली की बैक त्वचा पर पानी डालने से पता चल जाता है कि कितना सहन हो पाएगा। एक इस तरह का पॉट बाजार में मिलता है, कहीं से भी ले लीजिए। वैसे तो इस पे एक टोटी चढ़ी आती है जो नाक में फिट बैठ जाती है। अगर इस तरह का पॉट नहीं मिलता है तो आप ये जुगाड़ू काम भी कर सकते हैं, कपड़ा लपेट लीजिए ताकि एक नाक से पानी बिल्कुल बंद हो जाए। अगर ये इस तरह का जुगाड़ नहीं करते हैं तो फिर एक तो ये चुभता है नाक के अंदर, दूसरे पानी भी ठीक से नहीं रुक पाता है और दोनों नाक से निकलता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं जल नीति। लगभग इतना भर लीजिए, आधे से थोड़ा ऊपर, ताकि जब इस तरह से करें तो ऊपर से पानी ना गिरे। और इसे दाईं तरफ से शुरू करते हैं। मुंह खोल कर रखिए, श्वास का आदान प्रदान मुंह से ही करना है और ध्यान रखिए जल अंदर ना जाए, नाक से निकले।
अब अंदर रुके पानी को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। किसी भी तरह से पानी अंदर नहीं रुकना चाहिए, चाहे कपाल भाती करके निकालिए और चाहे इस तरह से निकालिए। अब दूसरी तरफ से भी यही क्रिया करनी है। ध्यान रहे कि जिस तरह से जल कम होता रहे इस तरह से गर्दन आप घुमाते रहेंगे। अब ठीक उसी तरह से बच्चे को पानी को जो अंदर रुका हुआ है इसको बाहर निकाल दीजिए। थोड़ी देर कपाल भाती कर लीजिए। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।